लड़की वहां पे कराची में दुआएं करते थे, या अल्लाह बारिश दे दे, या अल्लाह बारिश। यहाँ पे गज वज के रोस्टिंग कर रहे थे, मैं बड़ी रोस्टिंग किया करती थी। जैसे ये है ना बबले बुबले इनके साथ है, बताना जरा। वो व्हाइट कलर, इतना गंदे वाले कमेंट आए हुए थे, कमेंट मैं उसको जवाब नहीं देती कि तुम्हारी बेटी ऐसे हो। हमारे ये इस्लामाबाद है या पिंडी, कहता है ये आधी कलोनी पिंडी में, आधी कलोनी इस्लामाबाद में। बोला भाई इस्लामाबाद कहे पिंडी कहे क्या तकलीफ है भाई, आप बोलो पिंडी 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 बोलते रहो, नो प्रॉब्लम। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया जानी जान की टोटीज, छोटी छोटीज एंड पतलीज मोटी सुखी, सबको बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक तो बनता है कि नहीं बनता है? ₹5 सेल, ₹5 बल्कि ₹5 कैसे लगने हैं यार, ये तो फ्री में होता है तो फिर पैसे कहाँ से लग रहे हैं भाजी। ओह माय गॉड, गेट माय लास्ट टोकन नौशी। तो जी जनाब, अपना रिएक्शन जो है हम लेके आए हैं और इस पे बात करते हैं। उससे पहले, जब तुम माँ बाप बहन भाइयों के साथ मिल बैठो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। कुछ लोग इस लम्हात को तरसते हैं। यार जिसने भी लिखा है ना, बड़ा प्यारा लिखा है। और यकीन माने, जब भी आप लोग अगर अपने बहन भाइयों माँ बाप के साथ बैठें, औलाद के साथ बैठें, तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें, शुक्र अदा किया करें। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें ये लम्हात नसीब किए कि हम एक साथ बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छी मतलब एक मेमोरी जो है उसके साथ हैं। तो आप लोग खुश नसीब हैं, हमसे पूछें हम कल्ले कल्ले से हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी पढ़ती हूँ। शुक्र है मेरे रब का कि अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा, लेकिन जिनकी नहीं है औलादें, अल्लाह ताला उनको भी नेक और साले औलाद अता फरमाए। औलाद, औलाद, अच्छा मेरे काफ़ी सारे लफ्ज़ ख़राब होते हैं बोलने में, तो बहनें जो है काफ़ी लिख देती है। रोची ऐसे नहीं कहना था, ऐसे कहना था। अच्छा जी, तो बिल्कुल सही कहा किसी ने। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक और आज की बात किसी ने लिखी है, किसी के वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वो वक्त है जो चेहरे याद रखता है, ये वो वक्त है जो चेहरे याद रखता है। अगर किसी के साथ आप हंसते हैं और तंजिया वो करते हैं, तो ये याद रखें जो वक्त है ना उस पे, वो वक्त आपको भी देख रहा है और वो चेहरे याद रखता है, वो आप पे भी आ सकता है। तो इसलिए ना कहते हैं, गरूर भी नहीं करना चाहिए, आजजी रखनी चाहिए, नरमी रखनी चाहिए, बुग्ज गलत फहमियाँ नहीं पालनी चाहिए। कुत्ता पाल लो, गलत फहमी मत पालो, बच जाओ। तो जी जनाब, आज देखा सितारा का व्लॉग, बड़ा ज़बरदस्त धमाकेदार जो था व्लॉग था, और बारिश से भरा हुआ व्लॉग था। हाय कितनी खुश नसीब है ये लड़की, वहाँ पे कराची में दुआएं करते थे, या अल्लाह बारिश दे दे, या अल्लाह बारिश दे दे, आ जा। यहाँ पे डेली बारिश होती है जहाँ पे आप आए हैं। अच्छा, इससे पहले जो है मैं बात शुरू करूँ, मुसलमान सिस्टर की लाइव चली है शायद, मैं मुझे नहीं था पता। मैंने जैसे कि बताया आज कि मैंने फ़नी वीडियो भी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं जो है इसलिए नहीं बना पाई। खैर, यहाँ पे जब मैंने उनकी लाइव का सुना, मुझे कुछ कमेंट्स भी आए और काफ़ी लोग परेशान हुए, काफ़ी लोग उनके साथ हमदर्दी कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे यार ऐसे ना करो, सितारा किसी को नहीं लेके आई और आप इस तरह प्लीज़ मत करें। देखिए जी, बात तो उनकी सही है, मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि सितारा ने कभी किसी को नहीं कहा, बेलॉस चले हैं। आपको एक बात बताऊँ, जब हम लोग यहाँ पे गज वज के रोस्टिंग कर रहे थे, मैं बड़ी रोस्टिंग किया करती थी, मेरा बड़ा नाम होता था, मैं बाकायदा चीज़ों के साथ आती थी, जैसे ये है ना बबले बुबले इनके साथ हैं, बताना जरा। वो व्हाइट कलर का होता था मेरा एक पांडा साहब, मेरा पांडा जो है वो व्हाइट कलर का होता था, साथ बिठा देती थी, इतना बड़ा पटारा लेके आती थी और फिर मैं रोस्टिंग करती थी। उसके बाद भी ऐसे ही था कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा रोस्टिंग करती थी। बाद में जब देखा ना माहौल ख़राब हो रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं, तो उसको मैंने कम किया उस चीज़ को, और अपनी सपोर्ट भी नहीं छोड़ी। दूसरी बात ये कि इनकम शिकम की तो कोई लेना देना ही नहीं था, ना हमने देखी थी। मैंने आई थिंक 6 महीने मेरा ख्याल से
कोई इनकम वगैरह नहीं देखी थी, चैनल ही बाद में मोनेटाइज हुए, फिर पिन अप्लाई करना, फिर पिन का आना, दो दो तीन तीन महीने तो वो लग जाते थे। खैर उसके बाद जो है जाके चैनल वगैरह भी मोनो हुए, तो उसके बाद फिर चैनलों को मसला होना शुरू हो गया, जो कि कभी भी हम लोगों ने नहीं, यहाँ पे मैंने आके शोर शराबा डाला। जैसा कि मैं मरियम को कल सुन रही थी कि मरियम को जैसे कहा गया कि ये पैसे कमाए, ये वो, तो एक बात याद रखें, जब पीक पे ये मसला था ना, पीक पे, जब पीक पे मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को व्यूज़ आ रहे थे, पब्लिक आ रही थी, ये मसला आया था, तो मरियम के चैनल के साथ भी बहुत बड़ा एक मसला हुआ था। दो तीन महीने जब पीक पे था, बहुत ज़्यादा व्यूज़, बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही थी, तो वो फ्री में काम कर रही थी उसमें। आज तक उसने नहीं बोला कि जो है, देखिए हम अपने भी बात शुरू हुई है तो फिर रखनी पड़ रही है, वरना हमारे मुंह से कभी भी ऐसा कुछ नहीं निकला। लाइव में जो होती थी, लाइव में भी ऐसे, आपको पता है, आप लोगों को अब तो पता चल गया होगा, जो लाइव हम लोग करते हैं दो तीन घंटे की, अपनी गपशप लगाते हैं, उसमें भी खास कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कुछ ऐसा वैसा नहीं होता उसमें, मतलब पैसे शैसे नहीं होते। सिद्धी जी बात जो है ये मैं कह रही हूँ, मतलब दो तीन डॉलर से ज़्यादा नहीं कुछ होता आजकल, पहले फिर भी आठ दस डॉलर बन जाते थे जब पीक पे था, लेकिन वो भी लाइवें ख़राब हो जाती थी, उसमें भी इनकम नहीं होती थी अक्सर लाइवों में। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, लेकिन खैर कभी बताया नहीं, बेलॉस चलते रहे हैं और हमेशा नेक दिली से चले हैं, और जहाँ पे हम खड़े थे आज भी वहीं पे हैं। हमें पता था ये कंट्रोवर्सी है, हमें ये भी पता था, आँखें होश आवाज़ अपने कान शान खोल के, आँखें खोल के आए थे हम लोग कि ये कंट्रोवर्सी है। हम हेटरों को जवाब दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, हेटरों को जवाब दे रहे हैं, हम हेटर को जवाब दे रहे हैं, सपोर्टर को नहीं जवाब दे रहे, हेटर को दे रहे हैं, क्योंकि हेटर को जवाब देना ऐसे है कि आपने ना वो हमारे स्ट्राइकी में खखर को वट्टा मार देना। खखर कहते हैं पीले डेंगू, जो एक लड़ जाए तो पूरा मुंह यहाँ तक सूज जाता है ऐसे, ठीक है ना, मैं मिसाल दे रही हूँ। ऐसे कहेंगे शायद के छत्ते को आपने जो है वट्टा मार दिया, पत्थर मार दिया, और वो सारा आपके मुंह को चिपक गया और आप मुंह सुजा के बैठ गए हैं, हालत बेजार किसी को, मतलब वो तो वही बंदा जानता है ना जिसके साथ गुजर रही होती है। तो खैर क्या हुआ, हमें पता था हम हेटर्स को जवाब दे रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है, अगर हम अगर कुछ बोलेंगे हमें भी वैसे जवाब आएगा, लेकिन आप लोगों को पता है मैं ऐसा कुछ भी किसी को भी नहीं हालांकि ज़्यादा टारगेट करती, बात करती, उसके बावजूद भी कमेंट्स गंदे गंदे आते हैं, सबको आते हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, उसमें सोनिया थी, उसमें वर्दा थी, उसमें मरियम थी, जाजब जी को इतने गंदे वाले कमेंट आना, आमना जी हो गई, बहुत सारे लोग, जितने भी हमारे अमीरा वगैरह हो गए, जितने भी बहनें हैं यार, ढेर सारे, अब तो चैनल हैं, अब तो नाम लेना भी ना मतलब सांस फूलने लग जाता है, ढेर सारे हैं, सबको आते हैं। मुझे अभी तीन चार दिन पहले की बात है, इतना गंदे वाले कमेंट आए हुए थे कि तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारा हस्बैंड पता नहीं क्या, ये वो, समझ जाओ क्या कहना चाह रही हूँ, इतना गंदा कि तुम अगर सितारा के सपोर्ट में बोलती हो तो तुम्हारे साथ ये वो, ठीक है ना। एक अब फिर दिल बड़े किए हुए हैं, क्या करें, बहुत गंदी वीडियोज़ भी बनी है हम लोगों के ऊपर, बाजू टपाए गए, पता नहीं क्या शलवारें में हाथ, पता नहीं बहुत कुछ किया गया, मुँह के ऊपर प्राइवेट पार्ट्स लगाए गए, बहुत सारा कुछ हुआ, सब ने सहा। बात यह है कि हमें पता था हम इसी कंट्रोवर्सी में हैं। अब मुसलमान जी जो हैं वो बहुत रो रही थी, मैंने अभी अभी थोड़ी सी लाइव सुनी है, इतना टाइम नहीं था क्योंकि खाना शाना ये वो इस तरह से लगे हुए थे हम लोग, बच्चों को भी देखा, मेरे बच्चे आके मेरे से लाड प्यार कर रहे थे, मम्मा थोड़ी सी अपसेट लग रही हैं चुप चुप तो वो मेरा बेटा आके चूम रहा था मेरा मुँह, मेरी बेटी छोटी तो ऐसे मेरे साथ गप्पे शप्पे लगा रहे, मैं उनको टाइम जब देती हूँ कोशिश करती हूँ मोबाइल साइड पर रख लूँ, वरना ऐसा होता वैसे नहीं है तो खैर मेरी जान ये यहाँ पे तो सैलरी की बात ही नहीं थी, बेलॉस आए थे, सब बेलॉस आए थे। हाँ उसके बाद अगर जो चैनल बने हैं उन्हें पता था कि इनकम होती है, हमें तो खुद नहीं था पता कि अच्छा इसमें इनकम होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बाद की बातें। खैर ये फिर अंदर की बात मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी कि भाई ये सैलरी आती है तो फिर जाती कहाँ है क्या है, आओ मैं वीडियो बना के दिखाऊँ, नहीं फिर वो मेरे ख्याल से शायद नेकी ख़राब ना हो जाए, लेकिन हाँ मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं
और लोगों की खिदमत के लिए भी कर रहे हैं। तो बाकी मुसलमान के साथ वाकई ज़्यादतियाँ हुई हैं, मैं मानती हूँ, उनके चैनल उड़ाए गए, उनके उनको बहुत ज़्यादा स्ट्राइकें पड़ी। मैं पता है क्या कहती थी मुसलमान सिस्टर को भी, मैं हमेशा मैसेज देती रहती थी या उनकी लाइव में जाके कमेंट में जाके उन्हें कहना समझाना कि आप भी हौला हाथ रखें, हौला हाथ रखें, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, आप फिर दिल छोटा ना करें, हिम्मत ना हार जाएं। होता है ना, जब जो लोग ज़्यादा जज्बा दिखाते हैं ना, वो फिर हिम्मत भी जल्दी हार जाते हैं। खैर, वर्दा और सोनिया तो हो गई या डोली हो गई है, तो उठ उठ के फ़ौरन से मतलब जवाब देते हैं वो, तो भाई उनको तो फिर आप लोगों को पता है, वो तो फ़ौरन से जवाब दे देते हैं, हैपर हो जाते हैं, जैसे जवाब आता है वैसे ही वो जवाब दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी मैं वर्दा सिस्टर ने कोई लाइव वगैरह जो है किसी की लाइव थी हेटर की, तो वो लगाई हुई, तो उसमें उनकी बेटी को इतना बुरा बोला जा रहा, तो मेरे कानों से धुएं निकल गए, मेरे से नहीं सुना गया, नहीं सुना गया। तो देखें, ये वाली बातें सबने बर्दाश्त की हैं। मरियम की बेटी के लिए भी बहुत कुछ बोला गया था, बहुत कुछ, सबके बच्चों को सुनना पड़ा यार, सबके। इसमें बेस्ट वो रह गए हैं जो है ना, छुपके से रिएक्शन दे रहे हैं, सामने नहीं आते, छुपके से रिएक्शन दे रहे हैं, किसी को उनके बच्चों का भी नहीं पता, किसी को चीज़ का नहीं पता। मुसलमान जी ने कई दफ़ा अपनी बेटी का नाम लिया, वर्दा जैसे अपनी बेटी का नाम लेती है, हालांकि ये भी सामने तो नहीं आती, लेकिन इन्होंने नाम लिया है, तो इसलिए ना लोग फिर वो टॉन्ट करने आ जाते हैं, गंदे कॉमेंट करने आ जाते हैं, अपने ज़मीर को भूल चुके हैं जो इस तरह से गंदे कॉमेंट करते हैं। शायद इनके बच्चों के साथ ऐसा होता होगा, सॉरी टू से, मेरे मुँह से ये अल्फाज निकलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, कि मतलब इनको पता है कि ऐसा भी होता है, हमें तो नहीं पता भाई। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम आप लोगों के सामने बैठे हैं, हम लोग किसी की बच्चियों के बारे में बात नहीं करते, कोई करे भी सही तो दिल दुखने लग जाता है, हम लोग नहीं ऐसे अल्फाज बोलते मुंह से कि भाई ये हो गया, कभी किसी को जाके गंदा कमेंट ही नहीं किया। आज तक हिस्ट्री है भाई हमारी, तो आज तक हिस्ट्री है, कोई अगर गंदी गाली भी देने आई है ना, तो उसको भी हम उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। मैं नहीं देती जवाब कि तेरी बेटी ऐसे हो ना, मैं नहीं करती। मुझे अगर आते हैं ना कोई इस तरह के से गंदे वाले कमेंट, मैं उसको जवाब नहीं देती कि तुम्हारी बेटी ऐसे हो, क्योंकि कोई भी होश व हवास वाला बंदा ऐसा कमेंट लिखेगा ही नहीं। ये बेहोश औरतें हैं, ये बेहोश आंटियां हैं, वाहियात आंटियां हैं, इनको नहीं समझ ये क्या बोल रही हैं, या तो इन्हें घर में इज्जत नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है हमारे बच्चों की इज्जत क्या है, हमारी इज्जत क्या है, हमारे घर वालों को पता है कि हमारी बच्चों की क्या इज्जत है, क्या अहमियत है। औलाद औलाद होती है, बेटी बेटी होती है। आपके घरों में ऐसा होता होगा भाई, हमारे घरों में तो ऐसा नहीं होता कोई बाप बेटी के साथ ये करे वो करे। अल्हम्दुलिल्लाह आंखें खुली हैं हमारी, सब कुछ देख रहे हैं। अगर ऐसा होता ना, तो फिर हम भी तुम्हारी इतना लोगों को जा जा के कमेंट करते फिर रहे होते, क्योंकि आपके साथ शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है ना, ये जो इस तरह से कमेंट करते हैं, इन लोगों को शटअप कॉल देना ज़रूरी होती है। बाकी मैं मुसलमान सिस्टर के लिए यही कहूँगी, मुसलमान सिस्टर ये जो है ना, क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी ऐसी है, ये टॉपिक ऐसा है, इसमें हेटर हैं, सपोर्टर हैं। अब जब हमें पता होता है कि हम हेटर को जवाब दे रहे हैं या हम ऐसी कंट्रोवर्सी में हैं, तो लोग आके ना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, तो जो नहीं बर्दाश्त कर सकता ना, वो साइड पे हो जाए, जो नहीं कर सकता वो साइड पे हो जाए, क्योंकि जब आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा, जब आप इतना टाइम भी देंगे। हाँ भाई जान, ठीक है, ओके, तुम्हारा आना बीच में एंट्री मारना बहुत ज़रूरी था। हाँ तमीज़ो, चीटकियाँ मारते हैं, हॉर्न बजाते हैं, हैं, अब तो कुकड़ भी नहीं बोलता भाई। इनके कुकड़ कहाँ गए, बड़ा टाइम हो गया आवाज़ नहीं सुनी मैंने। भाई कुकड़ को छोड़ो, आज हमारे ना बड़ी प्यारे कलर की एक थी, किस कलर की थी यार, ब्लू टाइप थी, ब्लू कलर की थी चिड़िया, हैं, आपस में चिड़ियाँ लड़ पड़ी, उसके सर के ऊपर उन्होंने वो जख्मी उसके सर को कर दिया, हाय बेचारी चली गई, ख़त्म हो गई। इतना दुख हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। चलो अल्लाह खैर करे, क्या कह सकते हैं, दुख हुआ है, नुकसान भी हो गया, दुख भी हो गया। खैर, एक परसों वाले दिन उड़ गई थी येलो कलर की, और एक जो है आज मर गई है, नहीं है, तो बड़ा दुख हो रहा था यार, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। चलो क्या कह सकते हैं,
तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि देखें ये कंट्रोवर्सी बड़ी गंदी है, इसमें या तो चुपचाप अपना रास्ता लें और लगे रहें। मैं हेटरों की लाइवें नहीं सुनती, मैं ताका झाकी में नहीं लगी रहती, मैं घूमती नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहती कि भाई चीज़ें इकट्ठी करो, इसने क्या कमेंट किया, उसने क्या कमेंट किया। दिल बड़ा रखें, दिल बड़ा रखें। अगर रहना है तो, अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, फिर जैसे आपने अल्लाह हाफिज़ किया है, बेस्ट ऑफ लक मेरी जान। हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, हम आप लोगों को शाउट आउट देते रहेंगे, हमारा काम ही है यही है। तो आप करें अपना कोई जो आपका कंटेंट है उस पे आप करें, लाइवें करें, जो भी करें, वीडियो बनाएं, जो भी करें, हम आपके साथ हैं, परेशान ना हो और अपना आप काम जारी रखें। हो सकता है अनकरीब हम लोग भी अपने काम पे लग जाएं, हाँ, क्योंकि हम हेटर तो खैर बन नहीं सकते, सीधी सी बात है, हम लोगों में ये चीज़ है ही नहीं। हम जस्ट पॉइंट टू पॉइंट पर बात करते हैं, और जो चीज़ जिसके व्लॉग से हमें लगे कि भाई यहाँ पे पॉइंट उठाना चाहिए, वो पॉइंट उठाते हैं, नरम तरीके से बात करते हैं। देखो बहुत सारे लोग ना यहाँ से चले गए हैं, व्यूवर्स अब नज़र नहीं आते कमेंट में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चले गए हैं। जो लोग अभी हैं इस कंट्रोवर्सी में, व्यूवर्स की बात कर रही हूँ, वो बेचारे हैं, वो मोहब्बत दिखा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, और जो है एक दिल से भी जुड़ गए हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर सामने नहीं आती तो मेरा कमेंट कर करके पूछेंगे आप कहाँ हैं, या आप नहीं नज़र आती, या कोई भी नहीं नज़र बहन अगर नहीं नज़र आ रही तो सब पूछते हैं, दिल से जुड़ चुकी है पब्लिक भी। खैर खुश रहें, आबाद रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, दिल छोटा ना करें, परेशान ना हो। और मेरा भी पूरा ख़ानदान, मेरे भाई, मेरे अपने सगे भाई, तीन भाई माशाल्लाह हाफ़िज़े कुरान है, हिफ्ज कर रहे हैं, मेरे तीन चाचू हाफ़िज़े कुरान, मेरे नाना दो वो हाफ़िज़े कुरान, मेरे दो मामू हाफ़िज़े कुरान, इंशाल्लाह मेरा बेटा जो है इसको भी हिफ्ज़े कुरान मैंने करना है। दीनी और दुनियावी तालीम दोनों देनी है। तो माशाल्लाह हमारे यहाँ तो सारे अलहाज भी हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं, सब माशाल्लाह हैं पढ़े लिखे। लेकिन एक बात बताऊँ, जो कल्चर होता है ना, वो कल्चर में भी होते हैं, मतलब अगर उनमें थोड़ी सी हैं आदत होती हैं ऐसी, तो मतलब क्या कहेंगे यार, हमारे यहाँ औरतें नहीं हैं। मैं क्या कहना चाहूँगी कि यार हक के लिए औरतें नहीं बोलती, जहाँ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो रही होती है ना, वहाँ पे खामोश रहती हैं। ये भी है थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम, क्या करें ये तो है, ज़िंदगी है, क्या करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सितारा के व्लॉग की बात करेंगे। आए बारिश, बर्शी आई, मज़ा आया, मुल्तान में बड़ा टाइप हो गया, हमारे घर बारिश नहीं हुई, हो भी जाए तो क्या फ़ायदा, हब्स हो जाती है। और इस्लामाबाद में इतना बारिश होती है इतना, और उसी टाइम थोड़ी ही देर में ना पानी ऐसे निकल के भाग जाता है, सड़कें साफ फ्रेश नज़र आ रही होती हैं, खूबसूरत नज़र आ रही होती हैं। हाँ, शॉपिंग के लिए गई सितारा साजिद भाई के साथ, और बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह लिए, और फिर थोड़ी बहुत जो बच्चों के हिसाब से चीज़ें थी ना वो ली हैं उन्होंने। और फिर वहाँ पे जनाब बारिश आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई, दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए हैं एक दूसरे को देख के, हुई बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई, खुश हो रहे हैं। और भाई छाता लेके जाया करें, माँ सदके जाए, गाड़ी में छाता रखें, गाड़ी में हर हाल में। अब आप इस्लामाबाद वाली साइड पिंडी इसलाचा कुछ लोग कह रहे थे, हेटर कह रहे थे पिंडी रहती है, और कहती है मैं इस्लामाबाद, भाई है ये पता ही नहीं चलता, हम जहाँ रह रहे होते हैं पता ही नहीं होता। मैंने बताया ना पिछले से पिछले महीने में जब मैं गई हुई थी वहाँ पे, हम एक कलोनी और हमने कहा हमारे ये इस्लामाबाद है या पिंडी, कहता है ये आधी कलोनी पिंडी में, आधी कलोनी इस्लामाबाद में। सुनो ज़रा, चार दीवारी चार दीवारी के अंदर आधा इस्लामाबाद आधा पिंडी, इसमें क्या है भाई, इस्लामाबाद पिंडी एक ही है। देखा नहीं है फैसल मस्जिद का भी यही बोलते हैं, गीगा मॉल हो गया, ये मिक्सअप है भाई सारा कुछ। खैर दोनों में पहाड़ हैं, पिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी, आप इसमें क्या रोला भाई, इस्लामाबाद कहें पिंडी कहें क्या तकलीफ है भाई। सितारा इस्लामाबाद कहती है, वो तो पिंडी रह रही है, तो भाई जहाँ पे भी रह रही है बिल्कुल इस्लामाबाद ही है, ठीक है ना। आप उसे पिंडी समझते रहें, आप बोलो पिंडी 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 बोलते रहो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा जी, साजिद साहब गए गोलगप्पे लेने, सितारा ने कहा मैंने तो भाई गोलगप्पे खाने हैं, गए हुए थे शॉपिंग करने। अच्छा ये मुझे समझ नहीं आई ये कौन सी जगह पे थी, बहरिया में थे या बहरिया से बाहर लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा सा एक पहाड़ दिखाया जहाँ पे घर थे। यार जो नहीं देख रहा ना सितारा के ब्लॉग लाजमी जाएं देखें, बड़े ज़बरदस्त ब्लॉग है, मज़ा आ गया मुझे तो देख के। अच्छा जी कहती है हाय मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है बारिश, हाय तो थोड़ी थोड़ी सी किणमिन जो आ रही है ना ये बड़ी प्यारी, और बाद में ऐसे पानी बह रहा था जैसे लोटे के लोटे शीशे के ऊपर पानी था,
बहुत ज्यादा पानी, बहुत पानी हो गया, बहुत तेज बारिश हो गई। खैर साजिद भाई आए, सज्जू भाई गोल गप्पे लेके आए। बारिश में सर्दी में कौन गोल गप्पे खाता है, मैं तो जलेबी खाती गरम गरम, कराटो जलेबी, खराटो कराटो इतनी मोटी मोटी होती है। अभी भी मैं जब गई हूँ ना इस्लामाबाद, मैंने वहां से ली है भाई, मैंने तो दो दफा जलेबी लेके खाई है वहां पे। अच्छा साजिद भाई के कपड़े सारे भीग गए, सितारा का बुरका सारा भीग गया, लेकिन घर अकेली बैठी डर रही थी। जैसे साजिद भाई आए तो जनाब मैडम में कॉन्फिडेंस आ गया, बोलो खौफ ज्यादा हुई बैठी थी, हाय मेरी गाड़ी हिल रही है, हाय कोई आ जाए, हाय कोई भी नहीं नजर आ रहा, कुछ भी नहीं है, मैं अकेली हो गई हूँ। डर रही थी सितारा काफ़ी देर वैसे लग रही थी उनके व्लॉग से जो अंदाज़ा लगा, पहले हल्की बारिश फिर तेज़ हो गई फिर थोड़ी सी हल्की हुई, तो खैर फिर साजिद भाई नज़र आए। और जब वो आए तो फौरन कहा कि मुझे ना छोड़ के जाना, मैं तो डर गई। उन्होंने कहा मैं और कुछ चाहिए तो ले आता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं भाई छाता लाजमी रखें आप लोग गाड़ी में, अब कराची नहीं है आप जहाँ पे आप हैं वहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, खुश नसीब लोगों बहुत ज़बरदस्त मौसम आए, हाय हाय मैं तो बारिश देख के खुश हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे नहीं है हमारे घरों में बारिश, यार तरस रहे हम बारिश के लिए। खैर साजिद भाई जनाब गोलगप्पे ले आए, गोलगप्पे खाए और कहा चैलेंज करें गोलगप्पे का कर लेते तो वैसे अच्छा था। और उसके बाद जो है बहुत अच्छा सीन था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चे बड़े खुश हो गए जब ये लोग घर में सामान लेके गए, बहुत अच्छा फील हो रहा था। माँ जी सोफों पे कंबल, वो क्या कहते हैं यार कपड़े वगैरह भाई बने बनाए मिलते हैं, 3,000 का सेट मिलता है सितारा जी, वो ले लें, वो जो चुमटों वाले नहीं है वो आप देखें दराज, दराज पे मेरे ख्याल से मिल जाएगा, दराज वाले जल्दी भेज देंगे, तो दराज से आप ना दो सेट ले लें, 3,000 का भी मिल रहा है, 5,000 का भी मिल रहा है, आप देख लें अपने सोफों का वो दे दें, वो रबड़ के साथ होते हैं, मेरे घर में भी वो हैं, वो ब्राउन कलर के हैं, मैंने तो उतार दिए क्योंकि थोड़े से वो थोड़े से पुराने हुए थे इसलिए मैंने उतार दिए, वो हर कलर में मिल जाते हैं सितारा जी, आप वो ले लें 3,000 का, वो मैं क्या करूँ यार कैसे, पता नहीं मेरी वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, वो ले पूरा सेट मिलता है 6,000 का, डबल ले लें आप, मज़ा आ जाना है, 6,000 का ले लें। और वो है चुनरीदार और डेकोरेशन है, कपड़ा ना बिछाए यार बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा यहाँ पे जो है बच्चे बड़े खुश हुए, अपना अपना बैग लिया, जूते लिए, मस्ती वाला व्लॉग था, बहुत ज़बरदस्त था, किचन की सफाई की, और मेरे रब्बा इतना बड़ा किचन, और जाहिर सी बात है सारे बच्चे इनके स्कूल वाले हैं, सबके दो दो तीन तीन लंच बॉक्स भी हों, बोतलें भी हों, घर के लिए भी बोतलें पानी वाली हैं, कप किसी का ढक्कन नहीं है, ये मेरे में भी बड़ी प्रॉब्लम है, बहन इनको फेंक दे, फेंक दे सितारा बहन इनको फेंक दे, ये जो एक एक ढक्कन वाले जिनका किसी का ढक्कन है किसी का नहीं है सबको फेंक दो। मैं कहती हूँ ये इतना ढेर लग जाता है ना घर में, निकालना मुश्किल हो जाता है, ऐसा दिल करता है यार नहीं नहीं ये काम आएगा, नहीं वो जगह घेर रहे होते हैं, मुख्तसर सामान रखे हैं। मैंने अभी पिछले साल एक बोरी जो है बर्तनों की निकाली है, अभी मुझे लग रहा है कि जब मैंने अभी घर चेंज करना है मुझे एक बोरी और निकालनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा हो जाता है, किसी का ढक्कन नहीं है, किसी की प्लेट नहीं है, किसी का क्या नहीं है, बड़ा वो होता है, दिल नहीं करता फेंकने को, भाई काम आ जाएगा, लेकिन नहीं फेंक दो बहन फेंक दो, किचन को देख के उसकी कैबिनेट जो सफाई करनी होती है ना मौत है मेरे लिए, तो मौत बहुत बड़ा भाई दम घुटता है मेरा लेकिन करनी पड़ती है, क्या करें क्या करें भाई, किचन का सामान, किचन की चम्मच, किचन की चीज़ें, ओए होए होए बहुत ज़्यादा मसला। मेरे घर तो वो सालन वाले नहीं होते बॉक्स, इसके वाले डिनर सेट वाले, वो बड़े जमा हो गए थे, पहले भी मैं एक बोरी में भर के बर्तनों के अलावा अलग से निकले थे, न्यू वाले वो यूज़ नहीं करते, हम करते हैं वो कांच वाले जो होते शीशे वाले वो इस्तेमाल कर लिए, अब वो नहीं हो पा रहे हमसे, डिनर सेट वाले कम होते हैं इस्तेमाल, खैर वो बड़े हो जाते हैं। खैर सितारा ने जो है रात को जो है अपने किचन की सफाई की, बहुत जो है सेटिंग सूटिंग वाकई करने वाली हुई पड़ी थी, जैसे उन्होंने बताया जैसे जैसे चीज़ आती गई हम रखते गए, अब जो है वो मैं सेट कर लूँ ताकि डेली अब सुबह सुबह उठ के बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह तैयार करना होगा, चीज़ें सारी सेटअप के साथ होंगी तो पता चलेगा। तो बहुत अच्छा व्लॉग था, जिन्होंने नहीं देखा जाए देखें, ज़बरदस्त व्लॉग था। अच्छा जी यहाँ पे गिफ्ट की बात करेंगे, जो बड़ी बात गुड न्यूज़ देना चाह रही थी
उन्हें जनाब मिला है गिलाफ़े काबा, और बाजी यकदम से रो रही थी। फीलिंग में समझ सकती हूँ, लेकिन यार ये कौन सा पहली दफ़ा हाथ लगा रही थी। वो तो मेरे जैसे बंदे की फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जिसने ज़िंदगी में कभी भी जाके हाथ नहीं लगाया खाना काबा को, या आंखों के सामने, मतलब वहाँ आमने सामने नहीं देखा। लेकिन उनकी फीलिंग ना मुझे थोड़ी सी ओवर टाइप लगी, क्योंकि उन्होंने एक बेस बनाई इस चीज़ को, कंटेंट बनाया कि मैं जाऊंगी, मैं लेने जाऊंगी। आप लोगों ने तो पता नहीं कितनी दफ़ा हाज उम्रे किए हुए हैं यार, खुश नसीब लोग हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ना ओवर लगा। खैर, रो रही थी, फीलिंग ऐसी ही होती है सबकी, लेकिन वो ऐसे दिखा रही थी जैसे पहली दफ़ा हाथ लगा रही हैं। नहीं भाई, आप लोग माशाल्लाह खुश नसीब हैं, और ये थोड़ी सी कुछ ओवर लगी। उसके बंदे ने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, मैंने कहा वो भी शायद वैसे ही रोएगा बीवी की तरह, इमोशनल होगा कि हाय हमें इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया, खाना काबा का गिलाफ का टुकड़ा मिल गया। लेकिन नहीं, उसका नॉर्मल था बिहेवियर, ठीक था बस, जैसे होता है। और जिसके घर वो गई थी बड़ी बाजी, वो रो रही थी, उसको भी गले लगा के कहती हैं मेरा और दिल कर रहा है और जफ्फी डालूं। तो महरूमियाँ तो नज़र आती हैं रिश्तों की, कमियाँ नज़र आती हैं, इसीलिए कहती हूँ जज्बात में फैसले नहीं करते। एक बाजू में तकलीफ है ना, तू बेटे तू लंघ जा, साड़ी कह रहे हैं। इधर से ये आ गया, ये भी आ गया बंदा, हजूर मेरा भी आ गया। उधर से मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे हैं, कोई गड्डी वाला पू पा पी करता हुआ गुजर के जा रहा है, पता नहीं क्या, कभी क्या कभी क्या। खैर, यहाँ पे जो है वो गले लगा रही थी और कह रही थी कि और मेरा दिल कर रहा है तुम्हें और गले लगाऊं, मिलूं तुम्हें। तो महरूमी नज़र आ रही थी काफ़ी सारी। तो मैं बता रही थी कि एक अगर बाजू में तकलीफ होती है ना, तो उसको काट नहीं दिया जाता, उसका इलाज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक उंगली में दर्द है तो उसको काटते नहीं होते, उसका इलाज करते हैं, समझ आ रही है ना। तो खैर, इन्होंने वो दिखाया और बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा उसको इमोशनल बनाया गया, म्यूज़िक लगाया गया, और इस तरह से थोड़ा सा मुझे ओवर लगा उनका ये बिहेवियर। जो न्यू बंदा होता है ना, जो पहुंच नहीं सकता इस चीज़ तक, कभी हाथ ना लगाया हो गिलाफ़े काबा को, जैसे मेरे जैसा बंदा कभी गया नहीं है, मैं नहीं गई आज तक, नहीं जा सकी, शायद मेरे लिए अभी बुलावा नहीं आया। ज़िंदगी में कभी लिखा होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। तो मेरे जैसा जो बंदा है ना, उसकी ये पोजीशन होती है। तो खैर चले, यकदम से बाजी जब रोई है ना, यकदम से मैं खुद भी बड़ी हैरान हो गई, क्या हो गया। चले जी, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।